हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। इस चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट की, और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों और लाइक करिए। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक है दोस्तों कि जो इंटर पास हो गए हैं लोग, पहली बात तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जो कि इंटर में कितने मार्क्स होने चाहिए और बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर मैथ होनी चाहिए, इस सब जानकारी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इंटर पास हो गए हैं और फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लें ताकि आप एक अच्छी तरीके से वहाँ पे फार्मेसी कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम ये बात करेंगे कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ पे सबसे पहले कॉलेज में जाएं और जांच कर लें कि वहाँ पे लैब वगैरह पढ़ाई अच्छी चलती है कि नहीं चलती है। ये सब हो जाने के बाद में आप एडमिशन लेने की वहाँ सोचिए। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज PCI अप्रूवल है कि नहीं है। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उससे कॉलेज अप्रूवल होना चाहिए तभी उस कॉलेज की मान्यता होगी दोस्तों। अगर वो कॉलेज अप्रूवल नहीं है तो उस कॉलेज की कोई मान्यता नहीं होगी। आप वहाँ से अगर डिफार्मा कर रहे हैं तो उस डिफार्मा का कोई मतलब नहीं होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। और ये जो कॉलेज होते हैं दोस्तों, इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप जाके PCI की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं और स्टेट वाइज से देख सकते हैं। जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है, उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है आप स्टेट वाइज से वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।